Hello friends, I'm Dr. Rahul Srivastava and I'm with you with this first video of our initiative Empowering Vets. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग हैं और हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम अपने करियर को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे पाएं, खासतौर से वेटनरी के स्टूडेंट्स जो BBSC एंड AH के कोर्स में इनरोल्ड हुए हैं रिसेंटली या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है और वो स्ट्रगल करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए, जिसमें से कि दो मुख्य मुद्दे होते हैं कि पहली बात वो स्ट्रगल करते हैं कि हम किस तरीके के सब्जेक्ट्स को जाएं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि BBSC एंड AH में लगभग 15 सब्जेक्ट्स हैं। इन 15 सब्जेक्ट्स की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसकी कि आज रिलेवेंस नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोरोना क्या है, कोरोना वायरस का जो हमारा इस समय पैंडेमिक हो रखा है, इस समय पूरी दुनिया जो स्ट्रगल कर रही है, वो सिर्फ एक ह्यूमन हेल्थ का सब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक वन हेल्थ का इशू है जिसको कि जो हमारे वेटनेरियंस हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को समझने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को साथ में आगे काम करना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके की बीमारियों से, आगे होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और नहीं बच सकते हैं तो कम से कम इतनी तो मेहनत कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इन चीजों को टैकल कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी BBSC जब भी आपने एडमिशन लिया हुआ, तो उस समय आपकी क्या मनोस्थिति थी, क्या आपने अपनी चॉइस से एडमिशन लिया या कंपल्शन से लिया या आपको चांस मिल गया, वो दूसरी बातें हैं, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हम आज इस मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं कि अगर मैं आज सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हूँ वेटनरी में, तो मुझे क्या करना चाहिए पहली बात। और अगर आप PG में हैं या फाइनल ईयर में हैं और आपको लगता है कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है या रिसर्च में जाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या मुझे अपना खुद का व्यवसाय करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की आजकल बातें हो रही है, स्टार्टअप इंडिया, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इन दो मुख्य मुद्दों पर बात करूंगा मैं। पहले तो मैं बता दूं कि मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं देने वाला हूं कि आपको ये ही करना चाहिए, यही सब्जेक्ट चुनना चाहिए, आप एकेडमिक में ही जाइए या आप रिसर्च में ही जाइए या आप प्राइवेट में ही जाइए या खुद का अपना व्यवसाय कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होगी कि अगर आप दूसरों की बात सुन के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर आप किसी की बात सुन के अगर आपको लगता है कि हमें यही करना चाहिए, तो ये तो सबसे सरासर नाइंसाफी होगी आपके अपने साथ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी अलग है और साथ ही साथ हर जॉब भी अपने आप में बहुत अच्छी जॉब होती है। जो हम एक फील्ड में बात आती है कि हम फील्ड की जॉब या रिसर्च की जॉब, सबके लिए अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है और लोग सोचते हैं कि ये अच्छा है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी जॉब अच्छी है। बात जॉब की नहीं है, बात आपकी है, आप क्या उसमें वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या आपने सीरियसली चीजों को, जिस तरीके का आपका जॉब है, आपने उसको किया है कि नहीं किया, एंड में वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता कि आप पैसे और बाकी सारी चीजों का वो प्राइमरी, शुरुआत में लोगों को लगता है कि हमें पैसे ज्यादा चाहिए, बट जब आप करियर में आप आगे बढ़ेंगे, आप हम लोग मिड करियर स्टेज में हम लोग देखते हैं अपने साथ के, मेरे फ्रेंड फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स साइंटिस्ट भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, प्राइवेट में भी हैं, खुद का अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। आज की डेट में मैं जब उनसे बात करता हूँ तो पैसे मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है सेटिस्फैक्शन, कि हम शाम को अपने आप को, जब आप आईने के सामने होते हैं तो क्या आप अपने आप को बता सकते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? अगर ऐसा है देन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत पैसे मिलना है बट आप आईने के सामने आके आपको लगता है यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप सिर्फ निगेटिविटी में फंसे हुए कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, हम नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, इन सब चीजों में है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा आज बताने का सिर्फ आपको कम समय में ये बताने का मकसद है कि कैसे हम लोग इन चीजों के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली जरूरत है आपको अपने आप के समझने की। हर आदमी अलग अलग होता है, वैसे ही जैसे अगर हम बात करते हैं कि आप अगर स्टूडेंट है तो आज आपके लिए कई चीजों को समझना मुश्किल होगा कि हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, बट कुछ चीजें तो आपको मन में है ना, इसके लिए तो आपको आंखें बंद करके अपने आप को समझने की जरूरत है कि क्या मुझे क्लिनिक्स अच्छा लगता है, क्या मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, क्या मैं भीड़ में जब जाता हूं तो मुझे लोगों को कन्विंस करने में मजा आता है या आपको शांति से काम करना पसंद, आप क्या चाहते हैं, आपका अंतर्मन क्या चाहता है, जिस क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके करियर डिसाइड करने में, आपका सब्जेक्ट डिसाइड करने में। क्योंकि जब आप अपने आप को जानते हैं
तो आप जिस चीज को, जैसे अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप शांति से काम करना चाहते हैं, आप कुछ रिसर्च माइंडसेट के आप हैं, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि आप रिसर्च माइंडसेट के हैं या नहीं है, लेकिन आप अपने आप को देखिए ना, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आप किस चीज को लेके अगर काम करना शुरू करते हैं तो आप कितनी देर तक खोजते हैं, क्या आप तुरंत छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो यार हमसे नहीं हो रहा, या फिर आप उसमें शामिल रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरीके का माइंडसेट है आपका तो आप रिसर्च की साइड में ज्यादा इंक्लाइंड है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप लोगों से बात करना है, किसी सब्जेक्ट में समझाना चाह रहे हैं, खुद समझना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में या प्राइवेट में आने के लिए आप ज्यादा कैपेबल होंगे। उसी तरीके से अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, आपको क्लिनिक्स में मजा आता है, आपको मेडिसिन में मजा आता है, आपको ये चीज समझने में मजा आता है कि हम इसको कैसे ट्रीट करें या कैसे हम प्रिवेंट करें, इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप, आपका इंक्लिनेशन है, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, आपको मेडिसिन अभी तक नहीं सिखाई गई होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उसके लिए थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो आप उधर के बारे में सोच सकते हैं कि चलिए अभी थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स को मन से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इतने बार बहुत प्रिसाइज नहीं होंगे कि मुझे यही करना है या ये नहीं करना, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट को तो आप कल्टिवेट कर सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका, जैसे मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट आने लगा शुरुआती फर्स्ट समय जो आपका, जब से मेडिसिन स्टार्ट हो रही है तब से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस पर आप और ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, फार्मा पे और ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, तो जब आप इस तरीके का इंक्लिनेशन करते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होते जब फाइनल ईयर में आप पहुंचेंगे तो आपको माइंड मेकअप होगा कि यार मुझे क्लिनिकल साइड जाना है। बट अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन साइड में है, आपको जेनेटिक्स अच्छी लगती है, आप न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको ये फील्ड हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे और उन चीजों को समझेंगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए आपका खुद को इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने थर्ड ईयर छोड़ दिया, फोर्थ ईयर छोड़ दिया, फाइनल ईयर में सोचेंगे कि क्या करेंगे। तब क्या होता है कि आप अच्छे सब्जेक्ट में, हो सकता है कि आप जेनेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते थे, हो सकता है आप न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने उस पर तब ध्यान नहीं दिया तो अभी क्या कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले तो आप अपनी जो भी निराशा, हताशा, जो भी फ्रस्ट्रेशन है फर्स्ट ईयर में खत्म कर दीजिए। सेकेंड ईयर आते आते आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं मन से पढ़िए। अब उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं, जब कहीं ना कहीं आप ये और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसके लिए बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कीजिए, ना कि जनरल कि सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए उसको बारे में क्या होगा, आप कैपेबल होंगे सब अच्छा होगा, अगर आप कैपेबल नहीं होंगे सब खराब होगा, क्योंकि जुगाड़ और बाकी सारे जो लंद भंद सब होता है उससे आप पहली नौकरी पा सकते हैं, उसमें जुगाड़ करके आप अपनी नौकरी बचा सकते हैं, लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकते, खुश मतलब सेटिस्फाई नहीं रह सकते। तो इसलिए आप उन सब चीजों को छोड़िए। अगर आप जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, सिंपल सा तरीका, आप अपने अच्छे सीनियर से, अपने टीचर से, अपने जो भी आपके सीनियर, चाहे रिसर्च में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे कहीं प्राइवेट सेक्टर में, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपका बात करना बहुत जरूरी है, चाहे आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, इससे कोई मतलब नहीं। आप उनसे बात करके पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए सब्जेक्ट को कि क्या सर मुझे इसमें चीजों को, मतलब कैसे हम इसको और कर सकते हैं, क्या नई चीजें हैं, हमें कोई चीज अगर हमें और करना है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइलो में, हम लोग एक कूप मंडूक टाइप के बंद, हम उससे आगे नहीं निकलना चाहते, हमें लगता है कि जब फिफ्थ ईयर आएगा तो किसी सीनियर को पकड़ेंगे, उनको सीवी दे देंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। या हम एक एग्जाम दे देंगे और जेआरएफ निकल जाएगा और हम बस, फिर तो हमारा करियर सेट है। फिर कंफ्यूजन कहाँ होता है, फिर जब जेआरएफ करके पीजी करके आप खत्म करो तो फिर आप समझ में नहीं आएगा अब क्या करें। तो इसलिए पहले तो आप कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए, आप कुछ नहीं तो आप हर फील्ड में जो अच्छे सीनियर हैं आप उनसे बात कीजिए, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे रिसर्च में, बात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक तो बात हुई आपके सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की, और इस सब्जेक्ट को जब भी आप सेलेक्ट कीजिए तो जल्दीबाजी मत कीजिए कि नहीं नहीं हमें बस यही पसंद है यही कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपका, आप जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, साढ़े पाँच साल, पाँच साल के साथ में इंटर्नशिप है, आपका हो सकता है इंटरेस्ट पहले कुछ और रहा होगा, बाद में बदल सकता है, लेकिन कम से कम 15 सब्जेक्ट में से दो चार पे तो आएगा, या फील्ड में तो आएगा कि भाई हम इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। क्योंकि सबसे बड़ी वेटनरी में प्रॉब्लम है, हम लोग पेंडुलम के जैसे बोलते हैं, गवर्नमेंट मिल गई तो ठीक, नहीं होगा तो एकेडमिक मिल गई तो यहाँ नौकरी कर लेंगे, वहां नहीं हुआ तो हम कहीं और जुगाड़ कर लेंगे, प्राइवेट में कुछ दिन तक रहेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी आ जाएगी। ऐसे करियर नहीं बनता, जो काम कीजिए दिल से कीजिए तभी बात बनेगी और तभी आप ग्रो करेंगे। आप अगर एकेडमिक्स में या रिसर्च में या प्राइवेट सेक्टर में या अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती है, ये चार अलग दुनिया है,
और इसमें आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपने कैसे आप अच्छा ये बताइए कितने टीचर्स से आप मिले और कितने टीचर्स को आप आज भी जानते हैं। आप कुछ ही चुने हुए टीचर्स को जानते होंगे जो आप मतलब जिनको आप याद करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय किया है। हो सकता है वो सब्जेक्ट में आप नहीं है, हो सकता है कि मैंने जेनेटिक्स के टीचर को आप बड़ा अच्छा आप अभी भी रिस्पेक्ट से याद करते हैं, हो सकता है आप जेनेटिक्स में नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप उनको याद नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट के लोगों को नहीं याद करते हो क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बस पढ़ाया आए गए पढ़ा दिया। ऐसे ही बात आप रिसर्च में कीजिए, कितने लोग रिसर्च में हैं आप उनसे बात करके आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा चीज़ों को बारे में। प्राइवेट सेक्टर में कई लोग सोचते हैं कि प्राइवेट में बस चले जाओ, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, प्राइवेट में भी तो कई चीज़ें हैं ना, प्राइवेट एक चीज़ नहीं, प्राइवेट तो एक पूरा समुद्र है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हैं कितनी दूर तक जाएंगे। वेटनरी में कई लोग आते हैं 6 महीने साल भर में परेशान होकर भाग जाते हैं, या कुछ लोग तो बस इंतजार करते हैं टाइम पास के लिए आते हैं। ऐसे क्या होता है कि आप अपनी भी बदनामी करते हैं और कहीं ना कहीं आप पूरे सपोर्ट सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसका एक इलाज है, अगर आपको प्राइवेट में भी आना है तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है। प्राइवेट मतलब सिर्फ सेल्स बेचना ही नहीं हुआ भाई, नया नया प्रोडक्ट भी तो बनेगा, कौन बनाएगा? अगर आप लोग आएंगे तो कुछ तो अपना टेक्निकलिटीज लगाएंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हुई, कुछ नई डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, हाँ ठीक है बाकी बेसिक साइंस के लोग हैं, लेकिन आप भी आएंगे तो थोड़ा और अपना अपना वेटनरी का तो चीजें लगाएंगे, न्यूट्रिशन में आएंगे कुछ अपने एडिशनल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ या फिर कुछ नई रिसर्च के बारे में बात हुआ, कुछ नया सोचने के बारे में बात हुआ, तो कम से कम एक टेक्निकल सोच तो लेके आ सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपका ओपन होना बहुत जरूरी है। आप अगर आएंगे टेम्परेरी 6 महीने कर लेंगे तो उसके बाद सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अभी जब पहले हम लोगों ने बात किया कि हमारा सारा सब्जेक्ट के लिए आपको समझना है, और उस समझने के लिए आप खुद समझिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, और कम्युनिकेट ऐसे जाति धर्म और ये जो राजनीति और इन सब चीजों को इनको छोड़ दीजिए भैया, आपके लिए बहुत मुश्किल समय है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर चीज से आप लोग इतने बम्बार्डेड हैं कि आपके समझ में नहीं आएगा, आप अपना समय बिता देंगे और 4 साल बीत गया 5 साल बीत गया तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे। इसलिए ये सब जो लंद पंद जो सोशल मीडिया में होने वाली राजनीति धर्म क्षेत्र और ये जो जाति बिरादरी सब सब चीजों से छोड़ दीजिए फिलहाल अभी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप पे ध्यान दीजिए, ये आपका बिल्डिंग टाइम है, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, करियर। हम एकेडमिक में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ये मतलब पहले से प्रिपेयर करता हो कि हम यही करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं मिला। लेकिन अब जब कुछ लोग जो लोग मिलते हैं जो जिनको मैं एडमायर करता हूँ, मैं अपने से 10 साल 20 साल जो सीनियर है मैं उनको भी फॉलो करता हूँ और हमसे जो 10 साल जूनियर है मैं उन्हें भी फॉलो करता हूँ। कारण क्या है कि आने वाला समय जो है वो आपकी जो पिछली जनरेशन है वो हमेशा आपसे स्मार्ट होगी। जो आप मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग जब तक हमारे लेवल पे आएंगे तो आप हमसे स्मार्ट होंगे, जो लोग जेन्युइन लोग, तो मुझे आपसे भी बात करनी है, मुझे उनसे भी बात करनी है जिनके पास एक्सपीरियंस है जिनके पास विजडम है। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप चाहे जिस करियर में रहिए, चाहे आप एकेडमिक में रहिए, चाहे रिसर्च में रहिए, चाहे अपना बिजनेस कीजिए, साथ चलिए, टीम बनाइए, अपनी टीम बनाइए और तभी चीजें हो पाएंगी। अकेला कोई सफल नहीं होता, आप अकेले क्या कर लेंगे? क्लास में टॉप हो गए, यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया, गोल्ड मेडल पा लिया, हो गई जिंदगी। नौकरी जब करने जाते हैं तब समझ में आती है चीजें सच्चाई। सफल वो है जो टीम के साथ में, अपनी ऐसी टीम बनाई जो आपके साथ रहे, अपने से सीनियर, अपने से जूनियर, अपने से साथ के लोगों के साथ। और ये ऐसा मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि नेतागिरी कीजिए कि 150 लोग आपके आगे पीछे रहे, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कैपेबल बनना है, आप कैपेबल रहेंगे सब लोग कैपेबल रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के समराइज में करता हूँ कि सब्जेक्ट कौन सा चुनना है, करियर कौन सा चुनना है। पहली बात, आप अपने मन से पूछिए, सबसे बात कीजिए करिए अपने मन की। दूसरी बात, आप सब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं या करियर के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक है। और जब आप ठान लीजिए कि हमें ये करना है तो फिर लग जाइए, क्योंकि चाहे आप फील्ड में रहें, चाहे आप एकेडमिक्स में रहें, रिसर्च में रहें, प्राइवेट में रहें या अपना खुद का व्यवसाय करें, लगन ही बहुत जरूरी है। आप लगे रहेंगे सब कुछ सफल हो जाएगा, नहीं लगेंगे जल्दी में भाग जाएंगे, मन उदास करेंगे, नहीं हो पाएगा। टीम बनाइए, साथ में रहिए, ग्रुप में आप हमेशा शक्तिशाली रहेंगे और जीतेंगे। थैंक यू।